हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की इस रीडिंग को आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देखिए जिनसे आप बहुत अटैच्ड थे, इन्फेचुएशन दोनों में रहा है, पुल एक दूसरे के लिए महसूस करते थे, बट अनएक्सपेक्टेडली आपके पार्टनर ने आपको लॉनलीनेस में छोड़ दिया था, आपसे मूव ऑन कर गए थे, तभी इस रीडिंग को आप देखें। और यू आर स्टिल अनक्लियर, आपको अब तक भी नहीं समझ आया है कि व्हाई दिस हैपेंड, इतने प्यार के बाद ये सब कुछ क्यों हुआ है। सो इस रीडिंग से लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि दैट टाइम, उस वक्त आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या था, किस तरह की एनर्जी से सराउंडेड थे, व्हाई थिंग्स हैपेंड दिस वे, सब कुछ ऐसा क्यों हुआ है। इस रीडिंग को ओनली एज अ गाइडेंस काम में लें। नाउ यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पर्सन एंड स्पेशली उस मोमेंट को याद करें When you last met, जब आप दोनों का लास्ट इंटरेक्शन था, चाहे फिजिकल इंटरेक्शन चाहे वर्चुअल इंटरेक्शन, बट आप उस मोमेंट पर कॉन्सेंट्रेटिव रहें। लेट सी दैट टाइम वॉट वॉज योर पर्सन सराउंडेड बाई, किस तरह की एनर्जी से ये सराउंडेड थे, वाई दे टुक सच अ रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग एक्शन। आप विजुअलाइज करें अपने पार्टनर को, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, एंड स्पेशली आप उसी मोमेंट को माइंड में लाएं व्हेन यू हैड द लास्ट इंटरेक्शन। तो इस रीडिंग से समझ आ सकेगा उस टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर आपके पर्सन का स्टेट क्या था, माइंड में क्या था, हार्ट में क्या था, एंड किस तरह की एनर्जी से सराउंडेड थे, सो दैट ये समझ आ सके व्हाई थिंग्स हैपन्ड दिस वे। उनका नाम भी ले सकते हैं आप अंदर ही अंदर। दिस इज समवन, बहुत ज़्यादा प्यार आपको था दोनों के बीच, बट फिर भी अनएक्सपेक्टेडली आपके पर्सन के एंड से आपको बहुत ज़्यादा रूडनेस भी दिखी है, एंड कुछ समझ आपको नहीं आया है व्हाई थिंग्स हैपन्ड दिस वे। द फूल है बॉटम ऑफ द डेक में, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो पर्सन हैं, दिस पर्सन वॉज इन द ड्रीमी वर्ल्ड टोटली, ये ड्रीमी वर्ल्ड में ही थे उस वक्त, प्रैक्टिकली इन्होंने कुछ भी प्लान नहीं किया हुआ था, इट वॉज लाइक आपसे इनफेचुएशन ही था, और प्रैक्टिकल जो प्लान होना चाहिए लाइफ को लेकर के वो नहीं था। ऑल राइट, दैट टाइम, उस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में देर वर टू किंग्स, यहाँ किंग्स भी हो सकती हैं, क्वींस भी हो सकती हैं, दो ऐसे पर्सन थे, किंग ऑफ सॉर्ट्स, एक पर्सन उनको लेकर कुछ डोमिनेटिंग बिहेवियर रखते थे, एंड वहीं दूसरे पर्सन उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, और ये पर्सन इमोशनल तो थे उनको लेकर के, दिस इज़ यू, ये आप ही हैं किंग ऑफ कप्स, आप इमोशनल तो थे उन्हें लेकर के, बट इन इमोशंस को भी आप शो ऑफ नहीं करते थे, किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जीज़ में आप हुआ करते थे। इट मींस आपने प्लान किया हुआ था लविंगली अपनी लाइफ को अपने पर्सन के साथ किस तरह लीड करना है, बट आपकी पर्सन की लाइफ में देर वॉज समवन जो कि ऑलरेडी डोमिनेट करता था इन्हें, एंड फोर नंबर है यहाँ पर, फोर ऑफ कॉइन्स। तो आपके पर्सन मटेरियलिस्टिक भी हैं, साथ साथ इनकी लाइफ में जो अदर रिलेशंस थे उन्हें ये खोना भी नहीं चाहते थे, आपको भी दिल से लगाया हुआ था, बट ये पर्सन चाहते थे मैनेज किया जाए सबको, आपको लेकर के ड्रीमी वर्ल्ड में थे टोटली, और एक तरह की मिस्टेक इस वक्त ये कर रहे थे, सब कुछ एक साथ मैनेज करना चाहते थे। आपके पर्सन की जो एनर्जीज थी दैट टाइम उनके अराउंड, द सन एंड द मून, दिस इज़ वेरी नाइस, आप
द सन एंड मून आपस में बहुत दूर होते हैं, दोनों यूनिवर्सल कार्ड हैं, आप दोनों के बीच जो भी लव रहा है दैट वॉज लाइक डेस्टाइंड, होना ही होना था। बट इसमें एक बड़ा डिस्टर्बेंस भी आपने देखा है और ऑलरेडी हो सकता है अब तक देख रहे हैं। द सन एंड मून इन एनर्जीज से आपके पर्सन सराउंडेड थे। द सन बताता है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, खुश थे, साथ साथ द मून बताता है सीक्रेटिव पर्सन थे, इन्होंने बहुत कुछ आपसे छुपाया हुआ था। फोर ऑफ कॉइन्स बताता है कुछ ऐसे रिलेशंस और कुछ ऐसे मनीटरी गेंस इस पर्सन की लाइफ में थे जिन्हें ये खोना नहीं चाहते थे। ऑलराइट, दिस इज द रीजन, ये रीजन है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, इसीलिए इस पर्सन ने आपके साथ अनएक्सपेक्टेडली कुछ छुपाया और अपना फायदा देखते हुए ये पर्सन आगे बढ़ गए थे। ऑफ कोर्स देयर वाज वन मोर रिलेशनशिप, लव लाइफ को लेकर अगर देखा जाए तो एक और रिलेशनशिप इस पर्सन की लाइफ में था दैट टाइम, और जो भी ये रिलेशनशिप था किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की हेल्प से कहा जा सकता है कि दिस पर्सन वॉज एक्चुअली डोमिनेटिंग देम, ये इन्हें डोमिनेट ही कर रहे थे, और इस रिलेशनशिप में जजमेंट होना बाकी था। सो दिस इज ऑल गोइंग ऑन, ये सब कुछ चल रहा है। सो आपके साथ लव लाइफ में जो धोखा हुआ है दैट्स बिकॉज दीज थिंग्स, इन वजह से ये सब हुआ है। आप कॉन्सेंट्रेटिव रहें अपने पर्सन पर एंड उसी मोमेंट को आप माइंड में रखें व्हेन यू लास्ट इंटरेक्टेड। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल हैं, एनवी के साथ हैं। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल से सराउंडेड। देखिए आपके पर्सन का आपको लेकर के पॉइंट ऑफ व्यू तो था फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, लाइफ में स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, रूट चक्र को एक्सप्रेस करते हैं, सो एक परमानेंट कमिटमेंट को ही दिखाते हैं, बट देयर इज सम एनवी। जो अदर पर्संस या अदर रिलेशंस इस पर्सन की लाइफ में थे, प्रोमिनेंट चांसेस हैं द हाई प्रीस्टेस के साथ कहा जा सकता है कि उन्हीं में से कुछ पर्सन्स ने आप दोनों के बीच कुछ एनवी क्रिएट किया, एंड यहाँ पर फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल थ्रोट चक्रा को एक्सप्रेस करते हैं, और इसी वजह से आपके पर्सन ने आपसे काफ़ी ज़्यादा रूडनेस दिखाया, बिकॉज यहाँ फाइव ऑफ सॉर्ड्स भी है। इन्होंने किसी छोटी बात का बड़ा इशू बना दिया और आपने कमियाँ निकाली हैं, और इस तरह से ये आपसे मूव ऑन कर गए हैं। ऑल राइट, लेट्स सी नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होने वाला है आगे। इसके लिए वी शैल टेक थ्री कार्ड्स जो कि आपका इस पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में इमीडिएट लॉन्ग एंड डिस्टेंट फ्यूचर को डिस्क्राइब करेंगे। आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेटिव रहें अपने पर्सन पर। नाइस, ऑल राइट, एट प्रेजेंट भी ये पर्सन जहाँ भी हैं अब तक हैंग हैं, थ्री नंबर है, फैमिली ओरिएंटेशन को बताता है 12 नंबर। सो आपके साथ लाइफ टाइम जो सेटलमेंट होना चाहिए उसको लेकर के अब तक हैंग हैं। पॉइंट ऑफ व्यू इस पर्सन का अभी इम्प्रूव्ड नहीं हुआ है, इस तरह देखेंगे तो इम्प्रूव्ड होगा, बट इमिडिएट फ्यूचर है टू ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन आपसे जल्दी ही फिर से हारमोनी में आने वाले हैं, बट यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स क्वीन ऑफ कप्स लॉन्ग और डिस्टेंट फ्यूचर में दो अलग अलग पर्सनालिटी दिखाई दे रही है। इट मींस कुछ माइनर इश्यूज तो आप दोनों के बीच चलेंगे, बिकॉज एक पेंटिकल्स वाले किंग हैं और दूसरी क्वीन वाली कप्स वाली क्वीन है। एक पर्सन इमोशंस को प्रायोरिटी देते हैं, वहीं दूसरे पर्सन अपने लाइफ स्टाइल अपने फाइनेंसेस को प्रायोरिटी देते हैं। ऑलराइट, आपके पर्सन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं प्रोमिनेंटली, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, लियो पाइसेस भी हो सकते हैं आपके पर्सन,
कैंसर भी प्रोमिनेंट साइन आया है। नंबर 4, 1, 9, 2 इन पर्सन से रिलेटेड हो सकते हैं। नेम इनिशियल्स आपके पर्सन के AIJQY EHNX BKR DMT दिखाई दे रहे हैं। ऑल राइट, लेट्स सीक वन एंजल्स गाइडेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। आप एंजल से भी एक क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन आप अपने आप से रिलेटेड रखें विद इन रेफरेंस विद रेफरेंस टू दिस पर्सन। नो का आंसर है इन द नियर फ्यूचर में कुछ इम्प्रूवमेंट तो आने वाला है। लेट्स आस्क एंजल्स वंस मोर, इन द नियर फ्यूचर मीन्स व्हाट? हाँ, इन द नियर फ्यूचर का मतलब है इमीडिएट फ्यूचर, तो इमीडिएट फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट हो सकता है ना मिले, बट उसके बाद रिकवरी आपके कनेक्शन में होगी। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है तो इस रिलेशनशिप में रिकवरी आपकी होगी, बिकॉज यहाँ 3 कार्ड्स आपके इमीडिएट लॉन्ग और डिस्टेंट फ्यूचर के लिए लिए हैं, तो मे बी इमीडिएट फ्यूचर में अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में है तो वही हैं, लॉन्ग और डिस्टेंट फ्यूचर में कुछ इम्प्रूवमेंट आप दोनों के बीच सर्टेनली आने वाला है, बिकॉज यहाँ ये जो क्वीन और किंग आए हैं ये अब डिफरेंट कैडर से हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।